Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बी टाउन अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रणबीर कपूर संजू मूवी के सुपरहिट के बाद वो बॉलीवुड से कुछ गायब भी हो गए थे। उनके फैंस चाहते थे कि वो कोई बड़ी फिल्म का अनाउंसमेंट करे। अब वो फैंस का वेट हुआ ख़त्म, क्योंकि रणबीर कपूर अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई फिल्में लेके आने वाले हैं, जिनमें से एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र, दूसरी है शमशेरा पहले और तीसरी फिल्म है तमाशा 2। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म में मल्टी स्टारर देखने को मिलेंगे, मल्टी स्टारर फिल्म है, जिनमें से ब्रह्मास्त्र फिल्म में लीड रोल में रणबीर कपूर, उनके ऑपोजिट आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन, मौनी रॉय और एक कैमियो में शाहरुख खान भी नजर आएंगे। इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है दोस्तों, वो 150 करोड़ बताया जा रहा है, और इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं अयान मुखर्जी। ये फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी क्रिसमस 2020 पर, इस साल के एंड में, पर अब इस फिल्म को डिले कर दिया है और ये फिल्म 2021 में रिलीज होगी। दोस्तों, इस फिल्म का बज और क्रेज देखते हुए अगर इस फिल्म के लाइफ टाइम प्रेडिक्शन की बात करें तो ये फिल्म यानी कि ब्रह्मास्त्र फिल्म अपने लाइफ टाइम में 400 करोड़ का आंकड़ा आराम से क्रॉस करेगी। अब दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं वो फिल्म तमाशा 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2015 में तमाशा फिल्म आई थी और उस फिल्म को डायरेक्शन दिया था जाने माने डायरेक्टर इम्तियाज़ अली ने, और उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था साजिद नडियादवाला ने। दोस्तों, उस फिल्म की स्टारकास्ट में लीड रोल में हमें सुपरहिट जोड़ी देखने को मिली थी, जो कि इससे पहले ये जोड़ी ये जवानी है दीवानी और बचना ये हसीनों में दिखाई दी थी। जी हाँ दोस्तों, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण इस फिल्म में अहम रोल में नजर आए थे। तमाशा फिल्म को 80 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया था और इस फिल्म के सॉन्ग और डायलॉग दर्शकों को बहुत ही पसंद आए थे। स्पेशली इस फिल्म को यंगस्टर ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था और तमाशा फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में इंडिया से 136 करोड़ का ज़बरदस्त बिजनेस किया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अब दोस्तों, इसके मेकर 5 साल के बाद इस फिल्म का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म का नाम है तमाशा 2। ये फिल्म रिलीज होगी 2021 को और इस फिल्म की स्टोरी पर काम चालू कर दिया है इम्तियाज़ अली ने, ऐसा एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, और इस फिल्म को डायरेक्शन भी वो ही करने वाले हैं। अगर दोस्तों स्टार कास्ट की बात की जाए तो फिर से ये सुपरहिट जोड़ी हमें फिर से देखने को मिलेगी बड़े स्क्रीन पर, यानी कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। इस फिल्म को भी प्रोड्यूस करेंगे साजिद नडियादवाला। दोस्तों, जिस तरह से संजू फिल्म की सक्सेस मिली थी, 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था बॉक्स ऑफिस पर संजू फिल्म ने, उसके बाद ब्रह्मास्त्र का जो बज है उस हिसाब से ये फिल्म 400 करोड़ कमाएगी। अब हम तमाशा फिल्म के लाइफ टाइम प्रेडिक्शन की बात करें तो तमाशा फिल्म को 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया जाएगा और तमाशा 2 फिल्म की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो ये फिल्म भी 200-300 करोड़ का आंकड़ा आराम से क्रॉस करेगी, क्योंकि रणबीर कपूर की फैन फॉलोइंग और दीपिका पादुकोण की फैन फॉलोइंग ही बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, ब्रह्मास्त्र, तमाशा 2 या फिर शमशेरा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।